बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां कुणवा चैनपुर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। थाना अध्यक्ष संजीव ने मिली भगत से पीड़ित के शव का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया। आरोप है कि थानेदार ने आरोपियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार को अंजाम दिया, जिससे आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिले और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सके, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और अपराध की जानकारी होने के बावजूद शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने के लिए एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अब इस मामले की कमान खुद मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने संभाली है। दरअसल चंपारण जिले के कुणवा चैनपुरा थाना क्षेत्र में 21 जनवरी को नेपाल की एक लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। चर्चा है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष संजीव रंजन की मिली भगत से मृतक के शव को बिना एफआईआर और पोस्टमार्टम के जला दिया गया। 2 फरवरी को मृतक के परिवार का सिकंदरा एसडीपीओ को आवेदन मिलने के बाद एसपी को घटना की जानकारी हुई। इसी बीच मृतक के शव को ठिकाने लगाने को लेकर आरोपी और थानेदार के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। उसके बाद जिला में हड़कंप मच गया। थानेदार को निलंबित कर दिया गया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। न्यूज डेस्क।